नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मेरी कोशिश रहती है कि मेरे वीडियो के जरिए मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ मजेदार किस्से जो बॉलीवुड और म्यूजिक रिलेटेड हो आप लोगों तक ला सकूं। तो आज हम बात करेंगे कि किशोरदा ने पंचम दा के साथ कैसे दोस्ती निभाई और प्रोड्यूसर की बैंड बजाई। आइए देखते हैं। ये घटना घटी थी 1975 में। एक मूवी बन रही थी, नाम था आपकी कसम, जिसमें हीरो थे राजेश खन्ना और हीरोइन थी मुमताज। प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे जे ओम प्रकाश। जे ओम प्रकाश जी का यह पहला मूवी था एज ए डायरेक्टर, और म्यूजिक दे रहे थे द ग्रेट मैस्ट्रो आर डी बर्मन, हमारे पंचम दा। मूवी बनने से पहले राजेश खन्ना और पंचम दा कश्मीर गए थे एक शिव मंदिर दर्शन करने। जब वो जाते हैं दर्शन करने, तब वहां पर आरती चल रही थी और वहां के लोग ढोल, ताशे, घुंघरू, कई तरह के वाद्य बजा रहे थे, और इन सब के मिश्रण से जो साउंड पैदा हो रहे थे, आरडी को वो बहुत अच्छा लगता है। वो उसको ध्यान में रखते हैं, और जब वो आपकी कसम मूवी के गाने कंपोज कर रहे थे, तब एक खास गाना वो इस साउंड्स को ध्यान में रखें कंपोज करते हैं। वो गाना था जय जय शिव शंकर, माता लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। ये गाना पिक्चराइज होना था रानी टेंपल कश्मीर में, और इस शूट्स के लिए बहुत सारे एक्स्ट्रा आर्टिस्ट, डांसर्स की जरूरत थी। तो आरडी ने इस गाने को कंपोज भी ऐसे किया था कि बहुत सारे कोरस इफेक्ट्स की जरूरत थी इस गाने के अंदर, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की भी जरूरत थी। सुबह से रिहर्सल चल रही थी रिकॉर्डिंग के लिए, और स्टूडियो में खचाखच लोग भरे हुए थे। कुछ लोग बजाने वाले थे, कुछ कोरस वाले आर्टिस्ट थे, और कहते हैं इस गाने का जो बजट था वो 25,000 था, जो बढ़कर 50,000 हो गया था। अब हमारे प्रोड्यूसर साहब को ये बात हजम नहीं हो रही थी। वो बड़बड़ कर रहे थे कि क्या यार, क्या गाना बना रहे हो, कि मजा तो आ नहीं रहा है, दुनिया भर के लोग बुला लिए, मेरे बजट बढ़वा दिए, मेरे 50,000 खर्चे करवा दिए, मेरे 50,000 खर्चे करवा दिए, बार 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 बोल रहे थे। अब आरडी के कान में ये बात जाती है। ऑब्वियसली आरडी को ये बात पसंद नहीं आती और उसका मूड खराब हो जाता है। अब किशोरदा की एंट्री होती है। किशोरदा ने पंचम को बचपन से देखा हुआ है, जब वो एसडी बर्मन को असिस्ट करते थे, और जब से वो एज ए म्यूजिक डायरेक्टर काम करने लगे तब से। तो किशोरदा ने पंचम को देखकर ही समझ गए कि कहीं कुछ गड़बड़ है। उन्होंने पंचम से पूछा, क्या रे, क्या हो गया, क्या बात है? तब पंचम दा ने किशोरदा को सारी बातें खोलकर बोल दी और अपनी दिल की सारी भड़ास भी निकाल दी। क्या यार, इनको पता तो कुछ है नहीं, सिर्फ पैसा नजर आता है इन लोगों को, गाने के बारे में कुछ पता ही नहीं है, सुबह से मेरे दिमाग खराब करके रखा हुआ है, बोल रहे 50,000 खर्चे कर दिए, 50,000 खर्चे कर दिए। किशोरदा सुनते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, चल आ रिकॉर्ड करते हैं, आ जा। उस जमाने में लाइव रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, मतलब कोरस वाले, म्यूजिक वाले, सिंगर्स सब एक साथ लाइव गाएंगे और वही रिकॉर्ड होगा। तो गाना चल रहा था, एकदम टाइट चल रहा था, बिल्कुल कोई गलती नहीं, सब कुछ एकदम मतलब जैसे होना चाहिए वैसे हो रहा था। एंड आ गया था। एंड में जहां पर किशोरदा बोलते हैं गाने के एंड में, बजाओ रे बजाओ, ईमानदारी से बजाओ, बजाओ रे, इस जगह पे किशोरदा ने एक लाइन जोड़ दिया, बजाओ रे बजाओ रे, ईमानदारी से बजाओ रे 50,000 खर्चे कर दिए। गाने के साथ साथ ये लाइन भी रिकॉर्ड हो गया। पंचमदा समझ गए और जे ओम प्रकाश जी भी समझ गए कि किशोरदा ने ये लाइन क्यों बोला है। अब इस लाइन को उड़ाने के लिए गाना दोबारा से करना पड़ेगा, लेकिन ये बात किशोरदा को बोले कौन, क्योंकि अगर किशोरदा बिगड़ गए और गाना गाने से मना कर दें तो ये मूवी बंद हो जाएगी, क्योंकि किशोरदा के बिना राजेश खन्ना जी ये मूवी नहीं करेंगे।
तो ये रिस्क ले कौन, तो ये लाइन ऐसा ही रह गया। जे ओम प्रकाश जी ने बाद में इसको बड़ी अच्छी तरीके से मैनेज किया। उन्होंने क्या किया, ये लाइन से पहले मुमताज और राजेश खन्ना जी स्क्रीन से भागते बाहर चले जाते हैं और ये लाइन कोरस लोग आपस में गाते हुए बोल रहे हैं। तो ये लाइन आज भी गाने में है, आप ध्यान से सुनिएगा, एंड में किशोरदा की आवाज में आपको सुनाई देगा। बजाओ रे बजाओ रे, ईमानदारी से बजाओ रे 50,000 खर्च कर दिए। तो इसी तरह से किशोरदा ने पंचमदा का साथ दिया था और प्रोड्यूसर की बैंड बजाई थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस।